नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं देखिए दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये डिजाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के बना हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत है। और इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में कितने भी फंदे चाहिए। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको डिज़ाइन और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, तो मैंने 11 फंदे डाले हैं। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो दूसरी लाइन में पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो सभी फंदों को हमने रॉन्ग साइड से भी सीधा बुना। अब उन अपनी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने दो लाइन सीधा सीधा बुन लिया, ये हमारे डिजाइन का बेस लाइन तैयार हो गया है। अब तीसरे लाइन में हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया। अब इसको हम डिजाइन का पहला लाइन काउंट करेंगे और दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो हमने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। ये डिजाइन सीधा सीधा बुनते हुए ही बनना है, दोनों तरफ से हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब लास्ट फंदा एज स्टिच है, तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने अपने सेकेंडरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे, तो पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए दूसरे फंदे को हम अब देखिए, जो पहला हमारा बेस लाइन था, तो ये उल्टा फंदा हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। इस फंदे को हम गिरा देंगे, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। अब फिर अगला फंदा हमें सीधा बुनना है, लेकिन हम यहाँ से ना बुन के दो लाइन। अब देखिए ये जो हमारा इसी कलर का ये उल्टे फंदों की धारी गई है, तो इसी फंदे के ऐसे नीचे हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम नीचे आए, यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और सीधा बुन लेंगे, सीधा बुन लेंगे और इस फंदे को हम गिरा देंगे। नेक्स्ट फंदा हमें नॉर्मली सीधा बुनना है। अगले फंदे को हमें देखिए इन दो लाइनों को छोड़ देंगे और नेक्स्ट ये जो हमारा तीसरा लाइन है, यहाँ पे हम ये इस उल्टे फंदे के नीचे ऐसे यहाँ सिलाई डालेंगे,
ध्यान से देखिएगा, ये हम अपने सेकेंडरी कलर वाले लाइन को छोड़ देंगे और देखिए प्राइमरी कलर वाला जो लाइन है यहाँ पे हम आएंगे और ये उल्टा फंदा है इसके नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। अब इस वाले फंदे के नीचे चूंकि हमने बुन लिया तो इसे हम गिरा देंगे, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस फंदे को हमें बुनना है लेकिन हम इसके नीचे आएंगे और फिर वापस देखिए इस कलर से हम बुनना है तो यहाँ पे नीचे आएंगे और इस उल्टे फंदे के नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को गिरा दिया, नेक्स्ट फंदे को हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को हमें सीधा बुनना है तो हम देखिए ऐसे एक उल्टे फंदों की जो धारी गई है इसे हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले पे आएंगे और इसी फंदे के नीचे ये जो उल्टा धारी गया है यहाँ पे ये उल्टा फंदा है इसके नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन लिया, इस फंदे को चूंकि हमने नीचे से बुना है इसे गिरा देंगे। अब लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे, इसे हमने सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड पे, तो पहला फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे, स्लिप कर लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। अब शेष सभी फंदे हम सीधा बुनेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा चौथा लाइन कंप्लीट हो रहा है। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए छोटा छोटा ऐसे ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब हम फिर अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे कलर के ऊन से बनाया जाएगा। तो हमने अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। दोनों तरफ से हमें सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है, ये डिजाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए बनेगा। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से दो लाइन बना लिया। अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर को लेंगे, अब कि हम दो फंदे सीधा बुनेंगे। पिछली लाइन में हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब कि हम दो फंदे सीधा बुनेंगे। और देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन बना है इसी के ऊपर हम देखिए इस डिज़ाइन के ऊपर जस्ट ऊपर हम ऐसे सिलाई डालेंगे यहाँ पे और सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को हमने चूंकि नीचे से बुन लिया तो इसे हम गिरा देंगे, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब फिर देखिए ये जो हमारा छोटा सा बूटी बना है तो हमें इसके ऊपर से ही ऐसे यहाँ से फंदा उठाना है, हम यहीं से सीधा फंदा बना लेंगे। चूंकि इस फंदे को हमने नीचे से बुना है इसलिए अब इसे हम गिरा देंगे और अगला फंदा इसे हम नॉर्मली सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमें नीचे से सीधा बुनना है और दूसरे फंदे को हमें नॉर्मली सीधा बुनना है। जो ये छोटी सी बूटी बनी है तो अगला फंदा हमें यहीं इस बूटी के एकदम ऊपर से ही लेना है, यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। इस फंदे को चूंकि हमने बुन लिया तो इसे हम गिरा देंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से
पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदे सीधे, सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा चूंकि ये एज स्टिच है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। अब फिर इन्हीं 8 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। बनाना बहुत ही आसान और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। इसे आप एक बार अपने प्रोजेक्ट में ज़रूर अप्लाई करें। इसे आप लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, चाहे किसी भी कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज़ में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बनाएंगे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।